डैम अगर मुफ्ती साहब बनाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज जो कॉस्ट है वो तो नेचुरली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है कि हजारों लोगों की लाखों लोगों की ज़मीनें उस डैम की हदूद के अंदर आ जाती हैं जहाँ पानी आएगा, उनको नकल मकानी करवाना पड़ता है। तो क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी भी शख्स को अपनी ज़मीन अपनी जायदाद अपना घर अपना बार सब कुछ छोड़ के वहाँ से ज़बरदस्ती मूव करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। हाँ, उसमें आला मकसद के लिए करना चाहिए ये, बल्कि दोनों उसकी तरफ से भी ताउन होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी जो वो सपोर्ट होना चाहिए, आला मकसद के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस ज़मीन का मालिक बैठा है उसकी उसकी कास्ट है, उसकी कीमत है, तो मार्केट वैल्यू जो उसकी कीमत है, बल्कि उससे कुछ बढ़कर ही उसको उसका मुआवजा दिया जाए, उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, उसके बाद उसकी ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ऐसी ज़बरदस्ती जो जुल्म हो कि उसकी ज़मीन को आपने इस्तेमाल कर लिया, ना मुआवजा दिया, ना उसको नकल मकाने के लिए महफूज मकाम दिया। बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा मूव हुए हैं, वहाँ हिजरत कर गए, तो आपको वहाँ मस्जिद बनानी थी। आपको एक जगह बहुत पसंद आई कि ये जगह बहुत अच्छी, यहाँ पे मस्जिद नबी में बनाते हैं। तो पता चला दो यतीम बच्चों की है, आप फरमाया कि अच्छा उनको बुलाओ, उनसे कहा कि भैया ज़मीन मुझे भेज दो, इतने पैसे में ज़मीन मैं ख़रीदता हूँ और आप किसी और जगह मूव हो जाओ, यहाँ पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो फ्री देते हैं, आप तोहफा ले लें हमारी तरफ से, अगर आप अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं। कहा कि नहीं, फिर मैं नहीं लेता, मैं दूसरी जगह। कहा नहीं नहीं नहीं, आप लें हमारी ये जगह जो इसे मुकद्दस मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए, ठीक है आप हमें कीमत है। आपने मुफ्त लेना गवारा नहीं की, आपने उसकी कीमत अदा की, उसके बाद आला मकसद के लिए वो देखो उस जगह को आपने हासिल किया और वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आला मकासिद के लिए, जैसे कि डैम है जो मुल्क की जरूरत है, और मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां तो इस्लाम और दीन का परचम बुलंद होना है, वहां रहने वालों ने खुदा को सुबह शाम याद करना है, सजदों में गिरना है, और रोजे की हालत में भूखा प्यासा अल्लाह के लिए रहना है, तो उनका खिता अगर तंग हो गया और पानी ना मिला तो क्या होगा। लिहाजा आला मकसद ये कि डैम बने, लेकिन उसका मुआवजा जो उन लोगों को पूरा पूरा दिया जाए, उन पर कोई जुल्म ना हो, ये हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बेहतरीन जाब्ता बनाना चाहिए, और मार्केट वैल्यू उनकी जो है बढ़ चढ़ कर उनकी कीमत दी जाए, उसके बाद बिल्कुल किया जा सकता है उनको हटा के डैम को आला मकसद के लिए इस्तेमाल करना। उसमें अगर थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़े, बाद अखड़ होते हैं कि नहीं जी हमने नहीं हटना, लेकिन उसके हटे बगैर डैम बनना नहीं, और उस नालायक को पता नहीं, वो छोटी तस्वीर देख रहा है, बड़ी तस्वीर देख नहीं रहा, लिहाजा वो थोड़ी सी सरजनश के साथ उसको कायल करके उसको उसका मुआवजा दिया जाए, फिर वहाँ डैम बनाया जाए। बहुत शुक्रिया।